ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव ठाणे की खबरों का। खबर झालावाड़ से, जहां खानपुर शहर में छात्रा के साथ रास्ते में रोककर भद्दे कमेंट्स करने पर मनचले की जमकर पिटाई की गई। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में रावतसर से सूरतगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण करवाने की मांग करते हुए विधायक द्रौपदी मेघवाल ने पत्र भेजे। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यूनुस खान को अलग अलग पत्र भेजे हैं। जैसलमेर के पोखरण में अधेड़ की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बता दें कि अधेड़ ने टांके में कूदकर आत्महत्या की थी। घटना माडवा गांव की है। टोंक के मालपुरा पचेवर की नेहा का आरपीएस में चयन होने से मालपुरा विधायक ने नेहा के घर पहुंचकर परिवारजनों को बधाई दी और कहा कि बच्ची ने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र की काली सिंध की पुलिया पर रेलिंग दीवार नहीं होने से कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं है। बारिश के दिनों में ये नदी विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे पुलिया पर से निकलने वाले वाहनों के फिसलने का खतरा बना रहता है। सिरोही के आबू रोड में पुराना चेक पोस्ट के पास बन रहे गौरव पथ के निर्माण कार्य में उपयुक्त हो रही निर्माण सामग्री को ठेकेदार द्वारा नाले नालियों में डालने से नालियां अवरुद्ध हो रही हैं। बारा के अंत में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें जुलूस के दौरान हथियारों पर पाबंदी पर चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी सहित विभिन्न अधिकारी व सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। क्योंकि उनियारा नगर पालिका ने दुकानदारों को परिचय पत्र, चाट पकौड़ी, फल फ्रूट, सब्जी विक्रेता सहित कई ठेले संचालकों को वितरित किए। क्योंकि उनियारा में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक पर्यवेक्षक सहदेव सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से राय जानी। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव कुलदीप सिंह राजावत, पूर्व प्रधान सोनम गोलेच्छा सहित कई पदाधिकारी व उनियारा तहसील के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के रामगढ़ में बोलेरो बाइक की भिड़ंत में 3 घायल हो गए। वहीं जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे घायल के लिए बहुत देर तक एक स्वाट एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जालौर की चितलवाना नेहर क्षेत्र से 25 दिन से 4 टीमें कार्यरत है, फिर भी अस्पतालों की ओपीडी दुगनी हो गई। हाड़ेचा, चितलवाना, दुखवा, सुंथड़ी के अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की ओपीडी दुगनी हो गई है। अलवर के कटुम्बर खेड़ली रेल में पिछले दिनों विधायक की अभिशंसा पर स्वीकृत हुए पशु औषधालय की आज शुरुआत की गई। इस दौरान गांव में आए पशु चिकित्सक इंद्रजीत सिंह का ग्रामीणों के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर के राजगढ़ माचवाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर पर 29 अगस्त को मेला भरेगा। मेले से पहले 27 अगस्त को गणेश मंदिर से ध्वजा यात्रा और 9 बजे रामायण पाठ प्रारंभ और 28 अगस्त को हवन किया जाएगा। अलवर के बांसूर में सितंबर महीने में आयोजित होने वाले मेगा वैदिक चेतना व लोक कल्याणकारी शिविर के संबंध में बैठक आयोजित की गई। अलवर के भिवाड़ी में विक्रांत शर्मा ने फूलबाग थाना अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विक्रांत का तबादला बीकानेर रेंज से किया गया है। जानकारी के अनुसार फूलबाग थाने में थाना अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण यहां पर तबादला कर दिया गया। दौसा की सीकराय में झोला छाप नीम हकीमों के खिलाफ चिकित्सा विभाग की कार्रवाई नहीं होने से बेखौफ हुए नीम हकीम। गंडरावा, राजवास, छोकरवाड़ा, सिकंदरा, मानपुर, कस्बों सहित गांव में बेखौफ इलाज कर रहे हैं। वहीं झोला छाप डॉक्टर कभी भी गलत इलाज मरीज पर भारी पड़ सकता है, लेकिन चिकित्सा विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। करौली के टोडा भीम कस्बे में गणेशोत्सव की धूम के चलते गणेश मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। वहीं 51 किलो के लड्डू के भोग के साथ 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। जोधपुर के बालेसर में जैन कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मकान मालिक व्यापारी परीक्षण पर अपने घर के ताले लगाकर परिवार सहित जोधपुर गया था। पीछे से चोरों ने घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के नंदवान गांव में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची को डंपर चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सलावास सरकारी अस्पताल के मोर्चे में रखवाया, जबकि डंपर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी गई। अलवर के गोविंदगढ़ में राजकीय महाविद्यालय से अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार भीमसेन और जावेद खान, उपाध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार चुने गए हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में देवीकोट कस्बे में गंदगी का आलम से स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। कस्बे की गली मोहल्लों में जगह जगह कीचड़ पसरा होने से कस्बे वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलो कि जैसलपुरा क्षेत्र में बीएसएनएल की सेवाएं गड़बड़ाने से इंटरनेट समेत बेसिक सेवाओं में परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, साथ ही इंटरनेट सेवाएं गड़बड़ाने से उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं। चारों के आहोर में रोडला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केंद्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव व शिकायत विवरण पेटिका लगाई गई। चारों के सांचो मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की ड्यूटी से गायब रहने का सिलसिला नहीं थम रहा है, जिसके कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण जमा पानी सहित मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भीड़ अस्पताल पहुंच रही है।
धौलपुर की सेपो में चर्चित राजेश हत्याकांड मामले में दो गांवों के बीच आपसी रंजिश बनी है। पहले भी ग्रामीणों ने धरना देकर प्रशासन से जमीन जुटवाने की गुहार लगाई थी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में ग्राम पंचायत इंद्रपुरा में बगैर कार्य किए ही मजदूर के खाते में 10-12 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में मजदूरी का भुगतान ही नहीं होता है और यहाँ बिना काम करे भुगतान किया जा रहा है। हालांकि मजदूर ने ग्राम पंचायत को सूचित कर रुपए लौटाने की बात कही। चूरू के तारानगर में कांग्रेस ब्लॉक प्रवक्ता मनोज जोशी ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर चेतावनी दी। ग्रामीण क्षेत्र में डीडीटी के छिड़काव करने की मांग की, साथ ही टेमी फ्लू दवा भी वितरित की गई। भरतपुर के बयाना में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। चेयरमैन दिनेश जाटा मौजूद रहे और साथ ही पार्टी के कई पदाधिकारी इस दौरान स्वच्छता अभियान में मौजूद रहे। राजसमंद के रेलमग्रा में भाजपा मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद हरिओम सिंह राठौर ने कहा कि विशाल रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ता लाने की बात कही। बारा की चौड़ा में बाइक की टक्कर से एक युवक घायल हो गया, जिसे हादसे के बाद चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना ढीमरपुरा गांव के रोड की है। डूंगरपुर के आसपुर में बागड़ अंचल के बाशिंदों ने श्री कृष्ण मंदिर में व्रत का उद्यापन किया। डूंगरपुर के जौतरी में गणेशोत्सव की धूम आज से शुरू हो गई है। गांव में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। खबर पंचायत में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए वहीं से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर जयपुर से, जहां के दूधू में बेकाबू ट्रेलर ने एक बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बाइक पर सवार एक पुरुष सहित दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक पर तीन लोग सवार थे, जो अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर के सामरलेक पंचायत समिति की साधारण सभा अधिकारियों के अभाव में स्थगित की गई। बिजली, पानी, सड़क सहित आदि के मुद्दों को लेकर साधारण सभा रखी गई थी। राजसमंद के देवगढ़ में बाबा रामदेव मेले में चिन्ह ले जाते समय विद्युत तार के टच हो जाने से दो व्यक्तियों को करंट आया। देवगढ़ चिकित्सालय में उपचार जारी है। सालोर के आहोल में पादरली गाँव सहित आसपास के गाँवों में बिजली बिल भुगतान की अंतिम तिथि के बाद भी उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिले हैं, जिससे लोग परेशान हैं। चूरू के तारानगर में सांसद राहुल कसवा आज दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां जनता के अभाव अभियोग सुने, लोगों को केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। जालौर के जसनपुरा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान से पोस्ट मशीन से राशन वितरण की व्यवस्था से उपभोक्ता सहित डीलर परेशान है। यहां नेटवर्क नहीं होने से पोस्ट मशीन कार्य करना बंद कर देती है, जिससे राशन वितरण भी ठप हो जाता है। जालौर के रानीवाड़ा में सीएचसी में एक महीने से बंद पड़ी एक्सरे मशीन के कारण मरीजों और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही निजी अस्पतालों में जेब ढीली करनी पड़ रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों को पकड़ा। यहां प्रशिक्षु आरपीएस ममता सारस्वत ने पकड़े गए जुआरियों को कब्जे से 1,32,000 की नकदी भी बरामद की। धौलपुर की सेपो में कैंथरी में उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक की कमी के चलते एएनएम के भरोसे संचालित है। इस कारण ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो रही है, इससे लोग उपचार के लिए भटक रहे हैं। चेयरमैन अजय कांत शर्मा ने चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर यहाँ चिकित्सक लगाने की मांग उठाई है। अजमेर के विजयनगर में जालिया द्वितीय में वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन हो रही है। इसमें वॉलीबॉल, खो खो, कुश्ती सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। यहां 31 केंद्रों के 353 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। अजमेर के भिनाई में बांधनवाड़ा कस्बे में इन दिनों बंदरों ने आतंक मचा रखा है, इससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। बंदर आए दिन लोगों को घायल कर देते हैं, लोगों का छत पर निकलना तक मुश्किल हो गया है। इससे कस्बेवासियों में भारी रोष व्याप्त है। कई शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के जसोदी गांव में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के पीहर पक्ष ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि वह बंटवारे को लेकर मानसिक परेशान चल रही थी। हनुमानगढ़ के नोहर गांव में शुद्ध पानी की सप्लाई की मांग को लेकर गांव चसाना के ग्रामीणों ने हेडवाटर वर्क्स में अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 5 दिनों से गाँव में जमीन का पानी दिया जा रहा है, इससे गाँव में उल्टी दस्त के रोगी बढ़ गए हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा द्वारा लालचंद छोरड़ के नेतृत्व में बीईओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए बीईओ कार्यालय की कार्यप्रणाली के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख
25 अगस्त को आने वाले कोर्ट के निर्णय को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम रामरख मीणा, सीआई मोहर सिंह कुनिया ने डेरा से विधायक की बैठक ली। झालावाड़ के भवानी मंडी में फर्जी पत्रकार बनकर पैरा टीचर से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोपी सलीम मंसूरी पचपहाड़ निवासी है, वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अलवर की थाना गाजी में नाबालिग बालकों के खिलाफ शोषण को लेकर विशाल जन जागरूकता रैली की शुरुआत 11 सितंबर से होगी। वहीं शांति नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी अभियान की शुरुआत करेंगे। भीलवाड़ा के आसिंद में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में आज जेवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे थे और एक दूसरे पर नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। मंदिर में प्रथम पूज्य की 56 भोग की झांकी सजाई गई है, जिसके दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जयपुर के पाटा में प्रागपुरा पुलिस ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आसपास 3 मंचरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को स्कूल के आसपास आवारा लड़कों के घूमने और लड़कियों से छेड़छाड़ छीटाकशी करने की सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा में भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जावदा के कोटड़ा बालाजी मंदिर पर हुई। बैठक में सांसद सीपी जोशी, विधायक सुरेश ठाकर मौजूद रहे। भरतपुर के हलैना में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर फैल गई। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय पर कॉलेज के विभिन्न मुद्दों के लिए ज्ञापन दिया। इसमें शुद्ध पेयजल, लेक्चरार की कमी पूरी करने और रावतभाटा से बैतरोडगढ़ तक सड़क निर्माण करने की भी मांग उठाई गई। जोधपुर के बालेसर महेश सेवा ट्रस्ट बम्बोर द्वारा छात्रों की सेवा के लिए चलाए जा रहे निःशुल्क भंडारे का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। महेश सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भवनलाल लाठी ने बताया कि सभा मणि प्रसादी संत जगदीश महाराज उपवास मुख्य अतिथि, राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष अतिथि, महापौर घनश्याम ओझा मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थानी गुजराती भजनों की प्रस्तुति दी गई। अध्यक्ष राठी ने बताया कि छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय, नाश्ते, मेडिकल की व्यवस्था की जा रही है। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई। बता दें कि ग्वार की फसल को बारिश के बाद नया जीवनदान मिल गया है। अजमेर के अराई में गैस सिलेंडर में रिसाव से हुए विस्फोट में 2 बच्चों समेत 2 महिलाएं घायल हो गई। घायलों का अजमेर अस्पताल में उपचार जारी है। जोधपुर के बावड़ी में राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ द्वारा शेरगढ़ सागवाड़ा के लगभग 400 शिक्षकों ने अनशन शुरू कर दिया। शिक्षकों का पिछले 6 महीने से वेतन बकाया चल रहा था। शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए संघ के प्रदेश महामंत्री शुभ सिंह मेड़तिया, सुभाष बिश्नोई ने अनशन शुरू कर दिया। इस पर असलम मेहर से वार्ता हुई। शिक्षकों के वेतन के लिए बजट जारी कर दिया गया। इस मौके पर बीकानेर महासंघ के अध्यक्ष जयकिशन पारीक, सत्यनारायण पवार, जोधपुर जिला मंत्री संतोष सिंह सिन्नली, दानाराम देवड़ा, अर्जुन बिश्नोई, भागीरथ सूडा, शिवकरण पप्पाराम चौधरी सहित कई विधायक कार्मिक मौजूद रहे। जोधपुर के तिवरी में बाबा रामदेव की बीच पर माली समाज रामसोड़ा में जम्मू कई स्थानों पर भजन संध्या हुई, जिसमें भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों में रामदेव बाबा का गुणगान किया। वहीं बाबा सहयोग सेवा समिति चैपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 14 के तत्वाधान में छात्रों की सुविधा के लिए समाज सेवकों ने भंडारा खोलकर छात्रों को भोजन, चाय, नाश्ता, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा में बिजली बिलों में बकाया राशि जुड़कर आई तो उपभोक्ताओं के होश उड़ गए। वहीं लोगों ने विद्युत निगम में हंगामा कर दिया और विरोध के बाद ईमित्र संचालक ने राशि लौटा दी। राजसमंद के आमेट में बाबा रामदेव की भादवा बीच पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं बैंड व डीजे पर महिला, पुरुष और छोटे बच्चे नाच झूम कर चल रहे थे। नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में चल रहे रेवाण में विराजित बाबा रामदेव की प्रतिमा को जगह जगह माला प्रसाद चढ़ाकर दर्शन का लाभ लिया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में 3 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा भुजा मंदिर से शुरू होकर के कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए नया बस स्टैंड स्थित नरसिंह गणेश मंदिर पहुंच के संपन्न हुई। अलवर के रामगढ़ में पुलिस ने अपहरण मामले में फरार चल रहे आरोपी अमर सिंह मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अज्ञात वाहन के टक्कर से एक युवक घायल हो गया। गुलाबपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया। घटना दांतड़ा के निकट की है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 2 बाइक की टक्कर में जालमपुरा निवासी बालूराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई। शव को गुलाबपुरा मोर्च में रखवाया गया। घटना खिजड़ी गाँव के पास की है। भरतपुर के सेवर में युवक ने नामजद बाल अपचारी के विरुद्ध उसकी नाबालिग लड़की को अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। मामले पर पुलिस ने जांच के बाद बाल अपचारी को निरुद्ध किया।
खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट फर्स्ट इंडियन न्यूज़.com। नमस्कार।